नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज के हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल का 23-24 का दिन नजदीक आते जा रहा है और यह भी सुनिश्चित हो गया है कि हमें कितना प्रीमियम पे करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि IBA, इंडियन बेकार एसोसिएशन और UBU, यूजलेस फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने पहले ही एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जो रिटायरीज के हित को न देखते हुए लिया गया। अब IBA और UBU दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। रिसेंटली जब अभी CLC की मीटिंग हुई 25/9 को, उसमें IBA ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का एक मुकदमा डिसमिस कर चुके हैं और अब हमने जो भी प्रोसीजर के हिसाब से किया है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यानी दोनों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और अल्टीमेटली रिटायरीज को प्रीमियम पे करके अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कराना होगा। अब यहां दो बातें हैं। एक लेटेस्ट न्यूज हमारे सामने आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स नाउ का एक मैसेज, हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले लोगों के लिए एक खबर। इटिनाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 7 अक्टूबर को GST काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस पर GST की दरें घटाने पर विचार हो सकता है। केंद्र सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर वसूले जाने वाले GST को 18% से घटाकर 12% करने के प्रपोजल पर विचार कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस ने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST दरें कम करने का सुझाव दिया है और इस बारे में एक ट्विटर भी इटिनाउ की तरफ से है। एक्सक्लूसिव, GST ऑन द हेल्थ इंश्योरेंस मे बी रिड्यूस सून। GST काउंसिल इन इट्स मीटिंग ऑन अक्टूबर 7 मे टेक ए डिसीजन ऑन रिड्यूसिंग GST फ्रॉम 18% टू 12% एट लीस्ट फॉर सीनियर सिटीजंस, सोर्सेस टेल इटिनाउ। और उसमें दो तीन बातें उन्होंने लिखा है फ्लैश करके, गवर्नमेंट में सून रिड्यूस GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन, GST रेट में भी रिड्यूस फ्रॉम 18% टू 12% ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ प्रीमियम फॉर सीनियर सिटीजन। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस हैज रिकमेंडेड रिड्यूसिंग GST ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कॉस्ट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैव बीन पुशिंग फॉर GST रिडक्शन फॉर द बेटर पेनेट्रेशन। अगर ये होता है तो रिटायरीज को कुछ मात्र रुपयों का फायदा होने की संभावना है, क्योंकि अगर अभी हम जो बेस पॉलिसी पे हमारे प्रीमियम है वो 22,419 एंड एप्लीकेबल जो GST है एट द रेट ऑफ 18% दैट इज 26,454। और अगर हम 12% के GST से कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 2,619। यानी कि 12% के जब हम GST लगाएंगे तो हमको 25,109 रुपी देना पड़ेगा और अभी 18% के हिसाब से जो रेट बनता है कैलकुलेशन से 26,454, यानी कि 1,345 रुपए का बेनिफिट होगा, यानी कि रिडक्शन फॉर द 6% ऑफ द GST। और अगर हम टॉपअप 2,00,000 का लेते हैं तो टॉपअप जो इस समय रेट है अगर हम 18% के हिसाब से जोड़ते हैं तो हमको 50,990 रुपी देना होगा और अगर ये रिड्यूस होकर 12% होता है तो हमें 48,330 देना होगा। यानी कि अगर हम 2+2 का प्रीमियम लें तो हमें 77,373 के प्लेस पे हमें 3,943 रुपए का फायदा होगा। सो फ्रेंड, अगर 12% के हिसाब से कम होता है तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो घट जाएगा, क्योंकि 12% के हिसाब से 73,439 देना होगा और 18% के हिसाब से 77,373 होगा।
ये जीएसटी कम होने से हमें ज्यादा फायदा होने है। अब आते हैं सब्सिडी फ्रॉम बैंक्स। लास्ट ईयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने उसके पहले 2000 का सब्सिडी दिया था, फिर लास्ट ईयर 5000 का दिया था। फेडरल बैंक सबसे ज्यादा दिया था, लगभग 50% के करीब दिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंकों ने कुछ ना कुछ प्रीमियम को दिया था। अब ये डिपेंड करता है कि कंसर्न बैंक जो सभी प्रॉफिट में है वो अपने हिसाब से रिटायरीज को कितना प्रीमियम दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं, और सब्सिडी की अमाउंट जितना बढ़ेगी उतना रिटायरीज को रिलीफ मिलेगा। कायदे से अगर पूरा का पूरा प्रीमियम कंसर्न बैंक एम्प्लायर ना बियर कर पाए तो एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रीमियम पे करना चाहिए, ताकि जो जीएसटी का थोड़ा बहुत फायदा मिलने की जो संभावना लग रही है, और ये सब बातें प्रीमियम पेमेंट करने के पहले आ जाए तब, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 7th को लागू होगी, डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन उसके पहले 15 तारीख या 20 तारीख से हो जाए, ताकि जब हमको प्रीमियम देना हो तो ये बर्डन हमारे लिए लेस हो जाए। अब इन्हीं का सहारा है, क्योंकि हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से, आईबीए की तरफ से, सब ने अपने अपने तरफ से हमको अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार।